मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर इजी सुपर टेस्टी सूजी के हलवे की रेसिपी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल हमारे चैनल पे 2K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उसी खुशी में मैंने एक सूजी का हलवा बनाया था। तो आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे ही आप मुझे हमेशा सपोर्ट करिएगा। तो चलो इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं डाल ली हूँ 3/4 चीनी। मैंने इसके लिए घर की कोई एक कटोरी सेट कर ली है, उसी से मैं सारा मेजरमेंट कर रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने 3/4 कटोरी डाली है, यानी कि एक कटोरी से थोड़ा सा कम, उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी इसमें पानी डाला है। अब हमने इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस जब तक ये चीनी पिघल जाए बस इतना ही हमने इसे उबालना है। जैसे ये एक उबाल आएगा आपने गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि चीनी पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो मैंने गैस में चढ़ाई है एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल ली हूँ घर का देसी घी। यहाँ पर मैं 2 चम्मच यूज कर रही हूँ, अभी आपने 2 ही चम्मच डालना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। अब घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चॉप किए हुए बादाम और थोड़े से किशमिश डाल रही हूँ। आप यहाँ पर कोई अदर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और आपने इसको थोड़ा सा भूनना टाइप का है, मतलब पकाना बिल्कुल नहीं, नहीं तो जो बादाम है वो काले हो जाएंगे, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आप जैसे इसको चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे किशमिश हल्के से फूल गए हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा अभी यहाँ पर। तो बस इस टाइम पे आपने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है। अगर ज्यादा इनको पका लोगे या काला कर लोगे तो ये बहुत गंदा टेस्ट आने लग जाता है, इसलिए जैसे ही किशमिश फूल जाए आप इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल लीजिए। अब जो बचा हुआ घी है इसको ऐसे ही रहने दो, और इसमें 1 और चम्मच घी मैं डाल रही हूँ। अब ये वाला घी जैसे मेल्ट होता है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी। अब जो कटोरी मैंने पहले चीनी डालने के लिए ली थी, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। वैसे 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी चीनी परफेक्ट रहती है, बट हम चीनी थोड़ी आजकल कम खा रहे हैं, इस वजह से अगर आप चीनी ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कटोरी चीनी लीजिएगा और 1 कटोरी सूजी। तो हमने इसको ना ऐसे ही रोस्ट करना है। अब आप सूजी को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करिएगा, हाई फ्लेम पे अगर रोस्ट करोगे तो ये जलने लग जाएगा। और सूजी को कम से कम आप 7 से 8 मिनट तक रोस्ट करिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसका कलर चले जाए, बस उसका जो कच्चापन है वो चले जाना चाहिए। तो ऐसे ही आपने इसको लगातार चलाते रहना है, अगर आप बीच में इसको छोड़ोगे तो ये नीचे से जलने लगेगा, तब जो सूजी का टेस्ट आएगा वो हल्का कड़वा आने लगेगा। इसलिए आप इसको आराम से धीरे धीरे ऐसे चलाते रहिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो हमने अभी भून के रखे थे ना साइड में, बस वही वाले ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और इनके साथ मैं 2-3 मिनट तक और अच्छे से इसको रोस्ट करूंगी। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी दूध। यहाँ पर जो दूध मैं यूज कर रही हूँ ये पहले से उबला हुआ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। और जैसे ही आप दूध डालेंगे ना, जो सूजी है वो दूध को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें दूध भी डाला था। तो दूध को डालने के बाद आपने ज्यादा देर तक इसको रोस्ट नहीं करना है, बस ऐसे करना है कि जो इसमें दाने गुठलियां वगैरह बन रही है इनको आपने फोड़ना है हल्का हल्का। और इतनी प्रोसेस करने तक जो हमने चीनी पहले पिघलने के लिए रखी थी वो भी बन चुकी है, तो मैंने उसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। एक्चुअली वो शूट नहीं हो पाया, तब मैं आपको उसे बता देती हूँ। तो मैंने पहले ही जैसे ही चीनी इसमें पिघल गई थी तब मैंने उसे बंद कर दिया था, ज्यादा देर नहीं लगी थी, 2-3 मिनट। तो अब मैं इसको देखो, ये हो गई ना, पिघल गई इसमें से चीनी। अब मैं इसको धीरे से डाल दूंगी, गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, अगर आप हाई करेंगे तो ये ना ऊपर से बबल्स टाइप में आने लगेंगे। तो पहले आप पानी को डालिए फिर आप गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। अभी मैंने पूरा पानी नहीं डाला है, आधा ही पानी डाला है। थोड़ा इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें जो गुठलिया वगैरह दाने बन रहे ना इन्हें हल्का हल्का फोड़ने की कोशिश करिए। और ये देखिए, पानी डालते ही सूजी ने फिर से पानी को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। जो बचा हुआ पानी है उसे हम इसमें डाल देते हैं दोबारा। तो सूजी के साथ ना ऐसा ही होता है, जब भी हम इसमें दूध या पानी वगैरह कुछ डालते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी दूध या पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये सूजी की एक खासियत होती है कि वो दूध या पानी को डालते ही वो फूलने जैसा लग जाती है। तो इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि ये पानी तो इतना ज्यादा हो गया है, कहाँ की सूजी बन रही है आखिर इतनी पानी वाली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये अभी पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, क्योंकि मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तब घी जितना आप ज्यादा डालते हो उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। घी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया
लिया है ताकि जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे तो थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि इसने पानी को बढ़िया तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा चलाते रहूंगी ताकि ये बैठे नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, साइड में आपको जैसे दिख रहा होगा हल्का पानी पानी टाइप का, तो वो हमने सारा मिक्स करना है। और बढ़िया से हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी हो चुका है। बहुत सिंपल है ना सूजी का हलवा बनाना। अक्सर हमारे कल्चर में ऐसे होता है जब भी हमें कोई खुशी बांटनी होती है तो हम सूजी के हलवे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इतनी बड़ी खुशी को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने अपनी खुशी आपको जाहिर करने की कोशिश की है। ये देखिए सूजी के हलवे की मैंने प्लेटिंग कर दी है, ऊपर से हल्का सा घी डाल रही हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। बढ़िया सा हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मेरी नई नई रेसिपीज आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि जो 2K की फैमिली है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाए। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको इस सूजी के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी कुकिंग।